daily show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में वो डेवलपमेंट हुई जिसके हवाले से गुज़श्ता कई माह से गुफ्तगू की जा रही थी। फाइनली हुकूमत ने एक फैसला किया और जो नए आर्मी चीफ के हवाले से जो फैसला काफी अरसे से पेंडिंग था, उस फैसले के ऊपर अब अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि इस वक्त की डेवलपमेंट है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से वजीर आजम ने जो मामला थे उसको तय कर दिया और उनके हवाले से जो समरी थी वो प्रेसिडेंट को भिजवा दी गई है। और साथ में जो अगली बड़ी तैनाती होनी थी जो हुई चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, जिसका कलमदान सौंपा गया लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब को। तो ये जो दो अहम मामला थे जो आज गवर्नमेंट ने बिल आखिर इसको तय कर लिया और काफी ज्यादा इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, काफी ज्यादा इसके ऊपर बातें की गई, फाइनली गवर्नमेंट ये दो अहम नामों के साथ आई। इन तमाम नामों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो कल होने वाली एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के साथ होगा। कल पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि जनरल कवर जावेद बाजवा साहब ने एक एड्रेस किया और फाइनल खिताब था उनका एज अ चीफ। उन्होंने उस तमाम स्पीच के दौरान जो कुछ गुफ्तगू की वो काफी ज्यादा मानी खेज थी। उस तकरीर में जो बातें कही गई, जिन एरियाज को हाईलाइट किया गया, चाहे वो 1971 की बात हो, चाहे वो सेपरेशन की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के बनने की बात हो, चाहे पाकिस्तान में हालिया दिनों में जिस अंदाज से जो इदारों को मुलविस करने की और उनके ऊपर जिस अंदाज से तनकीद हुई, उन तमाम पहलुओं के ऊपर बात की। आज कयाम में इसी हवाले से पहले गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब कर्नल रिजवान अहमद साहब और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद खुर्शीद साहब। कल साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि चीफ की जानिब से जब आखिरी स्पीच जो होती है वो पूरी जो फोर्स होती है उसको बड़े गौर से सुन रही होती है और कमर जावेद बाजवा साहब ने एज अ चीफ जो टेन्योर सर्व किया अनडाउटेडली एक मुश्किल वक्त था। उन्होंने जिन मामलात के ऊपर निशानदेही की और स्टार्टिंग फ्रॉम 1971 टिल 2022 काफी सारे एरियाज को हाईलाइट किया। How do you rate that speech और उस speech में असल में message क्या था? बहुत शुक्रिया। First of all एक तो congratulations आपको भी और पूरे पाकिस्तान को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ था और मसला तो नहीं था, मतलब एक issue बना हुआ था, pending था, and now we are over with that. तो उसकी congratulations and we have someone on the seat. Congratulations के बाद ये है कि जो chief की speech की आपने बात की तो not only force राधर पूरा मुल्क उसको बड़े गौर से देख रहा था, सुन रहा था और इवन कि उसकी ग्लोबल भी, उसकी रेलेवेंस और इंटरनेशनली भी उसको उसका इम्पैक्ट जो है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इट वाज नॉट ओनली अ स्पीच या वो खाली जो मोमेंट जो एक, एक, एक पूरा का पूरा इवेंट क्रिएट किया गया था वो शोधा डे के हवाले से था, मार्टर डे के हवाले से था, जो कि पिछले दिनों जो है वो जब जिसको ड्यू था तो बारिशों की वजह से वो नहीं हो सका था, पर उसको बिलेटेडली उन्होंने डिले करके उसको साइन किया। देखिए जी, एक तो ये बात है कि बाजवा साहब डेफिनेटली आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ कमांड यानी कि एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक पाकिस्तान आर्मी की कमांड एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और उस पर अर्सा छः साल लगाने के बावजूद और एक ओवरऑल अपनी जो सर्विस उन्होंने कंप्लीट जो सर्विस उनका टेन्योर है जो कि तीन दहाइयों से ज़्यादा उस पर अर्से में मुश्तमिल है, तो उसकी लेगेसी को अगर हम उसको इकट्ठा करें तो ये उसके ऊपर बेस करता था। और उन्होंने उस शेर हासिल गुफ्तगू में जो अभी हालिया पाकिस्तान में, मैं 1971 पे भी बात जाता हूँ, जो सबसे बड़ा जो अनप्रेसिडेंटेड एक क्राइसिस बना था और अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस इस तरीके से क्राइसिस सिचुएशन बननी थी जिसमें कि आप इस तरफ देखें तो उनकी बात है, उस तरफ देखें तो उनकी बात है, ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है, इस डिबेट में जाने के अलावा, लेकिन जो ये क्राइसिस बना था कि अवाम, आम अवाम, पाकिस्तानी अवाम को आर्म फोर्सेज के दरमियान एक खलीज पैदा हुई थी और उसके अंदर एक, एक, एक हम समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वेयर वी आर एक्चुअली हेडिंग टू। तो उन्होंने उसको बहुत ही तरीके से, बहुत सलीके से और बहुत ही मानी खेज अल्फाज से, सेंटेंसेस से उसको एड्रेस किया है और उन्होंने बताया है कि हमने बतौर फौज अपने मुल्क के अंदर जिस तदब्बुर का उन्होंने जो है ना मुजाहरा किया एज ए आर्म फोर्सेज, डेफिनेटली विदाउट गोज विदाउट सेइंग आर्मी के रिसोर्सेज या उनकी पावर या उनकी जो फायर पावर है या उनके जो 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 कुछ वो कर सकते थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इकदाम कर सकते थे कि जो बहुत गलीस और एक बहुत फजूल प्रोपेगेंडा भी चला है जिसमें अगर हम लास्ट टाइम बैठे थे हमने प्रोग्राम किया तो थ्री स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जो बलूचिस्तान के कमांडर थे
और जब उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उस हादसे का शिकार हुआ तो नासिर बोल के साथ और भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग जो सैलाब सदगान की मदद के लिए वो एक अपनी सरकारी ड्यूटी वर्दी हालत में जब वो जवाब दे रहे थे, और हमें पता है कि उसके ऊपर भी किस किस्म के पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो है वो कायम किए गए, तो एक बड़ी गंभीर सिचुएशन थी। लेकिन उस पर जो एक तो तदब्बुर का उन्होंने जो इजहार किया और उसको फिर उन्होंने मैनिफेस्ट किया और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी आगे दिया कि ये सिस्टम जो है ये इस तरीके से नहीं चलना, इसको हमने बेहतर तरीके से इसको लेके जाना है। गेटिंग बैक टू योर 1971 पॉइंट, उस पर उन्होंने बेसिकली 71 पे उन्होंने जो कहा है कि हमारा इस वी हैव अ बैड हिस्ट्री, हमारी एक नागहानी हिस्ट्री है और वो कहीं से भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, जब भी याद आती है तो मतलब हर तरह से वो जो है ना एक हम एक बड़ा अफसोस का एक वो है, एक वाकया है, इंसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख में। तो उस पर अक्सर इसी 6 महीने के दौरान उसको जो है बहुत ज्यादा अस्करी इदारों के साथ मुंसलिक करने की कोशिश, उन्होंने डिक्लेयर किया 1971 में सिविल लीडरशिप का बड़ा किरदार था, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। जी जी जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब सिर्फ जो है वो अस्करी इदारों को जिम्मेदार करार देना और सियासी और जो पॉलिटिक्स और जो सिविल इदारे हैं उनको बिल्कुल ऑफ बिल्कुल बिल्कुल साइड पे कर देना, तो ये भी एक जायज बात नहीं है। और अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो कि एक जिसका एक एक मैं कह सकता हूं कि हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि अगर इस बात से भी हो सकता है किसी की दो राय हो, कोई इससे जरूरी नहीं है कि इस बात से कोई वो अपना बल्कि खुद कहा कि तनकीद की जा सकती है लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो तनकीद में किसी की बात की कोई हर्ज नहीं। जी हाँ, तनकीद बिल्कुल सही है लेकिन ये तनकीद नहीं थी, ये तो तनकीद से बढ़ के कुछ सूरत हाल थी जिसमें शहबाज गिल का वाकया हो चुका है, आजम सवादी साहब की स्टेट पर आ चुकी हैं, उसके बाद उनके साथ जो कुछ एक बहुत बड़ा 6 महीनों में पंडोरा बॉक्स है सुबह शाम हमने देखा है। लेकिन मिलिट्री मैंने अनप्रेसिडेंटेड वर्ड इसीलिए आप और आपके नाज़रीन के लिए अंग्रेजी का वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड इन अ वे कि पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में पहले इससे पहले कभी अस्करी इदारों के खिलाफ आम आवाम को आमने सामने डैगर ड्रॉन इस तरीके से जो है ना वो गालम गलोच करते हुए देखा गया। एक चीज और मैं चाहूंगा बताइएगा, जो बाजवा साहब ने स्पीच की अगेन वी सेड 1971 का तस्करा हुआ, फिर 2018 के इंतखाबात का तस्करा हुआ और उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि जब हमारे यहाँ कोई हुकूमत कायम होती है तो फिर हम बात करते हैं इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस वक्त जो अपोजिशन ने जिस अंदाज से एक प्रोपेगेंडा किया वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और देयर सो मेनी स्पीचेस जो उस वक्त टेलीविजन पर नशर नहीं की जा सकती थी। मूविंग फॉरवर्ड फिर जब लास्ट ईयर में हम एंटर होते हैं 2022 की बात होती है, एज बाजवा साहब सेड के फौज ने एक डिसीजन किया कि वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे और कोई किरदार इसमें अदा नहीं करेंगे और फिर उनके ऊपर एक बैकलैश होता है, सारे इवेंट्स को उन्होंने देखा जाए तो खुला, और मेरे ख्याल से तमाम तर जो इस वक्त प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं तंबी भी की कि आप अगर अपनी रिश्ते को सही तौर पर तयन नहीं करेंगे तो यू विल इवेंचुअली एंड अप एट बीइंग अ रॉन्ग पाथ। इस पर कोई दो राय नहीं है, और लेकिन चूंकि अब आपने ये बात की थोड़ा सा मुझे आपके लिए नाजरीन के लिए कहने दीजिए कि मैं क्या जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस बात का, और इससे पहले ISPR के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरल साहब हैं वो भी पहले आके ये अपनी तकारीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि आर्मी ने अब अपने आप को ये पॉलिटिकल रखने का फैसला कर लिया है और आपने देखा कि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम से आगे हमने किसी भी जगह पे हमारी जो मनूवरिंग या हमारी जो इंजीनियरिंग है वो नजर नहीं आई। तो जब वो खुद इस बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बात में कुछ ना कुछ तो हकीकत है कि यस आर्मी की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रही माजी में रही है एक, और दूसरी बात ये कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सम हो दी अदर, ये भी एक हकीकत है, मुझे कहने दीजिए और ऑन रिकॉर्ड कहने दीजिए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं वो ओवरऑल इस मुल्क की जो इस खित्ते की या इसकी जोग्राफियाई या हमारी सरहदों पे या हमारे दुश्मनान का उनका कह दीजिए कि 3 जंगें अफगानिस्तान की शामिल कर लीजिए, कश्मीर के मसाइल को देख लीजिए, तो कुछ पाकिस्तान की जो वो जो एक जो हमारा जोग्राफिया और हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है यहाँ पे जितनी मारामारी चलती रही है उसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस जो हमें विरसे में मिली और उसके बाद फिर हमने जो जंगें लड़ी और आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं तो वो एक तरीके से पाकिस्तान आर्म फोर्सेज डोमिनेट करती हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर साइज, बाय वर्च्यू ऑफ देयर फायर पावर, बाय वर्च्यू ऑफ देयर फोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रेजेंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो जब वो डोमिनेट करती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी डोमिनेशन होती है अगर उसका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल ना भी हो तब भी बहुत सारे रोल जो है उसके साथ मुंसलिक कर दिए जाते हैं, तो ये एक हकीकत है। और जब ए पोलिटिकल की बात अगर आर्म फोर्सेस कर रही है तो इसमें मैं बड़ी थोड़ी सी मैं इख्तसार के साथ और थोड़ा सा पैसमिस्ट होकर ये कहूंगा कि ए पोलिटिकल सिर्फ कह देने से जो है ना ये अमल नहीं होगा, ये अनवाइंडिंग भी जो है अगर 75 सालों की वाइंडिंग है तो अनवाइंडिंग भी जो है ना इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, इट मे बी ईयर्स।
और हमारी दुआ ये है कि और बड़ा मुश्किल भी होगा, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सियासतदानों को तो आदत हुई है ना मुश्किल उस रस्ते की तरफ जाना, उस गली की तरफ। मैं ये कहूंगा कि जो कि एक दफा प्रिंसिपल डिसीजन हो गया है और बड़ी बेबाकी के साथ हुआ है और बड़ी बवांगे दहल हुआ है और बड़ा इन्फोर्समेंट के साथ हुआ है, तो इससे बैक ट्रैक करने का तो मेरा नहीं ख्याल है कि, और ये रियलाइजेशन के बाद हुआ है, इंडिजिनस है, ये इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनिकली, उनको समझ आई ये बात, तो आज वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। खुर्शीद साहब, नाउ कमिंग टुवर्ड्स यू, अगेन सवाल वही होगा कि कल जो तकरीर थी कितनी बड़ी इसकी सिंबॉलिक एक अहमियत है, और उस तकरीर में जो एरियाज को रेक्टिफाई किया गया, हाईलाइट किया गया, डू यू थिंक हमारी पॉलिटिकल क़यादत, हमारी जो सिविल एंड पॉलिटिकल क़यादत है, वो उससे कुछ सबक हासिल कर सकेंगी या उससे कोई पॉजिटिव मैसेज निकाल सकेंगी? अस्सलाम वालेकुम आपके लिए और सबके लिए। बात ये कि आर्मी चीफ ने जो बात कही, उन्होंने अपनी गलतियों को बताया कि जो हमारे से गलतियाँ हुई 1971 से लेके अब तक, हमारी इन्वॉल्वमेंट कितनी रही, क्या हमने किया क्या नहीं। लेकिन जो सियासत में जो लोग मौजूद हैं उनकी भी तो गलतियां हैं, उन्होंने भी तो मुल्क को बनने के बाद से लेके अब तक मौका दिया तो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो नारे भी तो लगे ना, तुम इधर और हम इधर। अगर ये नहीं होता, हम मैंडेट को तस्लीम कर लेते उस वक्त के, तो क्या ये जो है ना उस वक्त 1971 के टाइम का ये वाकया होता? एक तो जोग्राफी हिसाब से हमारी ऑलरेडी पार्टीशन के टाइम पे वैसी जो है फर्क आ चुका था, बिल्कुल सही, कि ईस्ट पाकिस्तान इधर और वेस्ट पाकिस्तान इधर, उसमें जब लोगों का कल्चर का फर्क आया, चीजों का फर्क आया, फिर जब मैंडेट की बात आई, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके उनका वोट पड़ा, तो अगर मान लेते तो ये चीजें नहीं आती, तो फिर फौज की इन्वॉल्वमेंट आनी पड़ी। सही, ठीक। दूसरी चीज, हमारे यहाँ आपस में सियासतदान एक दूसरे से बात करने के लिए हम सब जो है तमीज तहजीब को भुला चुके हैं। ओवरऑल हम लड़ते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम किससे क्या कह रहे हैं, हमारे अल्फाजात क्या हैं, ये सबसे अहम चीज है। मतलब आराम से तो कोई एक दूसरे को कबूल ही नहीं कर रहा। फिर अब फौज के लिए, फौज पाकिस्तान के साथ एक लाजिम और मलजूम चीज है ना, बिल्कुल सही। अगर आप फौज को ही जो है बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, ये आपके वो जवान है जो शहीद भी हुए, बिल्कुल सही, जंगें लड़ी हैं, आपके दुश्मन जो है इंडिया और जो दूसरे लोग हैं, वो आज तक जो है ना आपके पर हमलावर हो रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उनका जो है ना मोरल कितना आप गिरा रहे हैं इन सब बातों से, तो सियासतदान तो बेसिकली। लेकिन खुर्शीद साहब, जो अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ, चले माजी में हमारे सियासतदानों से भी गलतियां हुई, हमारे इदारों ने भी शायद उस तरीके से ओवर द इयर्स मैच्योरिटी का मुजाहरा भी किया, लेकिन अब हम देखते हैं 2018 के इंतखाबात होते हैं, तब जो पॉलिटिकल जमातें अपोजिशन में रहीं, उन्होंने इस पूरे निज़ाम को खुद डेंट किया, किसी ने किसी को सिलेक्टेड कहा, किसी ने किसी को फेवरेट कहा, किसी ने किसी को लाडला कहा। सर ये तो तमाम तर फैक्टर्स वो है ना जो हमारी खुद की सियासी जमातों के, इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई, वही वाली बात फिर आ जाता हूँ कि आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी वजह से इमरान खान साहब, देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब आ नहीं सकते थे, उनकी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। बट दैट इज अ डिबेटेबल थिंग ना, ठीक है, नहीं था ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। आप कराची के ऊपर ही आप आ जाए, बहुत से मसाइल थे, आप 4 साल वजीर आजम रहे, आपने कराची में क्या काम करके दिया, आपने लोगों से वादे तो बहुत सारे किए, डिलीवर किया, लेकिन कराची में वोट पड़ने का ताल्लुक डिलीवरेंस से नहीं रहा आज तक 60 साल 70 साल में कभी। बात ये दे तो यही शहर है ना, कमा के इस शहर ने दिया, रेवेन्यू जनरेट इस शहर ने करके दिया। देखिए सबसे पहली चीज मैं ये समझता हूँ, आपको बहुत सी एक नई ऐसे लोगों की क्यादत की जरूरत है जो निचले लेवल पे आए, जो इलाकाई क्यादत हो, जो आपके लोगों के मसाइल को समझ। सबसे पहले आपको क्राइम को खत्म करना है। क्राइम कैसे आप खत्म करेंगे? लोकल पुलिसिंग करेंगे, मोहल्ले का पुलिस वाला होगा तो उसको पता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन साफ सुथरा आदमी। सही। इसी तरीके से मोहल्ले
साफ सुथरे लोगों को आना बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि जब तक लोग अपने इलाकों से नहीं आएंगे और वो जो मैरिट सिस्टम अगर वो इवॉल्व नहीं होगा तो फिर यकीन तौर पे जिस डिलीवरेंस की हम बात करें वो होती हुई दिखाई नहीं देगी। आज एक बड़ा अहम फैसला किया गया और अभी तक की जो इतलात है कि जो समरी जो इस वक्त मुसविदा प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद था वो अब ट्रैवल करके लाहौर पहुंच चुका है और एन मुमकिन है कि एक मुशावरती अमल के बाद आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो नई तैनाती के हवाले से जो वजीर आजम हाउस की जानिब से जो समरी पेश की गई उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो नए जो नई क्यादत है उसका क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या 30 साल में उन्होंने गेन किया और क्यों आज हम जब बात कर रहे हैं एक बड़ा होप की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, तो ये पॉजिटिविटी क्यों है इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा आज के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को पाक फौज का नया सपा सालार मुकर्रर कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। और ये तमाम तो जो डेवलपमेंट है यकीन तौर पर इस लिहाज से अहम है कि सीनियोरिटी का जो फैक्टर पाकिस्तान में बात कही जा रही थी काफी अरसे से, इस बार गवर्नमेंट की जानिब से जो सिविल लीडरशिप की जानिब है से ये जो सीनियोरिटी का फैक्टर है उसके ऊपर बढ़तरी रखी गई। जरा क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हाफिज कुरान है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब और 2014 में कमांड फोर्स और नॉर्दर्न एरिया की कवाल से तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहदे पर फाइज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब 2018 में डीजी आईएसआई के अहदे पर तैनात रहे। 2019 में कोर कमांडर गुजरावाला के अहदे पर तैनात रहे, जबकि 2021 में जीएचक्यू के क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज भी सर अंजाम दिए। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है यकीन तौर पे बताते हैं कि एक वेल डेकोरेटेड सोल्जर हैं और एक काफी सालों की स्ट्रगल है, काफी सालों की काफी सारी गेंस है जिसके बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पे इस तैनाती के हवाले से भी हमारे यहाँ अभी भी काफी ज्यादा चीजें क्लैरिटी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब तक सदर पाकिस्तान इस समरी को अप्रूव नहीं कर देते, इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं कर देते, तब तक चीफ का लफ्ज इस्तेमाल करना शायद सही है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। कल सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो दिस सिस्टम वेरी वेल, बिल्कुल मुझे बताया कि क्या हम ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। प्रोसेस इन अ वे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर जिनका जो सवाबदीदी इख्तियार है एज पर द आईन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने तो कर दिया है, लेकिन एक सेरेमोनियल एक रिक्वायरमेंट है, प्रेसिडेंट साहब से भी साइन होनी होती है और अगर वो ना भी करें तो आफ्टर 15 डेज वो लैप्स हो जाए। 25 डेज आई गेस मुझे जो शायद पता था सर, चले 15 डेज या 25 डेज आगे बैठा एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ दिनों के बाद अगर वो उस पर कोई जवाब ना दे तो ये बाई डिफॉल्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाती है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई, आईनी बात हो गई। दूसरा ये कि आपने चूंकि नाम लिए दो, या मैं दो चीजें और ऐड कर दूं, इसमें एक और बड़ी क्लैरिटी आ गई, इसलिए मैंने आपको शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा था। देखिए, एक और भी क्या सराई चल रही थी, बल्कि क्या सराई के अलावा ये कि रादर डिमांड्स भी थी, किसकी तरफ से थी, तमाम नाजरीन को आपके पता है कि जो सिटिंग चीफ है सर बाजवा साहब, उनसे रिलेटेड भी क्या सराइयां और इवन उनको पेशकशें भी कि एक्सटेंशन से फर्दर एक्सटेंशन कि जी अभी तो उनकी 6 महीने सर्विस बाकी है और भाई 2023 तक मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लास्ट जो हमने जो असेंबली में बिल वगैरह पास करके उनको किया था, तो वो अगर होता तो उसके साथ भी फिर बहुत सारी चीजें जो है ना, मतलब कि मैं ये मेरी जाती राय है कि शायद वो अच्छा ना होता। सर एक सवाल यहाँ तमाम तनाजे सर, ये बताइए कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने इस तमाम मैटर को टैकल किया, इज इट द राइट वे, इसी तरीके से होता है ये गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं कुछ कोताही की जो आज ये तमाम मैटर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ, मगर माजी में इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, इतना ज्यादा इस मौजूद के ऊपर बात नहीं हुई जितना इस बार होती थी। गवर्नमेंट को फिर एक अकेले स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट को ना कुछ कहिएगा, गवर्नमेंट का डेफिनेटली गवर्नमेंट के तो भी आए हुए कहते हैं ना, जुमा जुमा 8 दिन हुए जो करंट गवर्नमेंट है, ये तो भी अपोजिशन हो गया, जुमा जुमा मतलब 8 महीने हो गए ना कि 5 ईयर्स की अगर उसके अभी तो अपोजिशन से, और 8 महीने में जो पुराने वाले जो थे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो जिस किस्म की अपोजिशन जो पिच की है, तो मेरे ख्याल में सिटिंग
गवर्नमेंट को तो उन्होंने पांव पे टिकने और होश में आने का भी टाइम भी नहीं दिया था। तो इट वाज नॉट ओनली कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इट वाज अपोजिशन सिटिंग गवर्नमेंट इवन लोग क्या सार आई और ओवरऑल जो एक बलून अप हो गया था तो उधर चला गया था। तो सबके सब इसमें मुश्तरक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओवर विद दैट फेज नाउ। वी हमारे पास नाम भी है, गवर्नमेंट ने सीनियोरिटी का जो फैक्टर रखा इस बार जो ये भी उसी तरफ इशारा ये किस तरफ ये भी उसी न्यूट्रलिटी को ही इशारा कर रहा है कि बात ही खत्म हो गई कि ये मेरा नहीं तेरा नहीं और कुछ भी नहीं। जो ऊपर से दो आए थे, जो सबसे सुप्रीम अपॉइंटमेंट थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो नंबर वन को कर दिया गया। जो सेकंड लेटर में थे सीनियोरिटी के हिसाब से उनको वहां कर दिया गया। अच्छा एक चीज चूंकि आपने पहले बात की थी मेरे जहन में थी, मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा लेफ्टिनेंट जनरल, आपने उनके क्रेडेंशियल्स पढ़े, मैं आपको हकीकतन बता दूं कि पाक फौज के किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल के मौजूदा और जो रिटायर हो चुके हैं और जो आगे आएंगे, ये 30 या 28 27 की ACRs लेने के बाद, परफॉर्मेंस के बाद, सर्विस करने के बाद, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, वहां तक जो पहुंचता है ना, उस पर आप ये तो कह सकते हैं कि शायद कोई डिजर्व करता था वो ना पहुंचा हो। हाँ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि डिजर्व नहीं करता था। तो इसलिए जब हम क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे थे, गिनवा रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तो ये इमटीरियल है, ये रेलेवेंट है। आपने बात बिल्कुल सही की, छह नाम जाते हैं, पांच नाम छह नाम जो सीनियर नाम होते हैं वो जाते हैं और उसमें से फिर पिक एंड चूज हो रहा होता है, हर बार यही होता है। और हमारे यहां तो कभी कभार फेशियल हेयर्स को लेके भी फैसले किए जाते हैं। सर इस बार थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज हुआ, मुझे जरा ये समझाएं कि ये फैसला अगर इसी तरीके से कर दिया जाए तो क्या इसमें खामी है, क्योंकि जो पहुंच रहा है इस लेवल पे तमामतर उस काबिल के लोग हैं, उस पाए के लोग हैं, तो उनमें से कोई भी शख्स अगर चीफ हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। नहीं जी, बिल्कुल इसी तरीके से, और इसके लिए कानून में तरमीम करने की जरूरत है, आईन में, और उसमें जो आपका आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम की जरूरत है। और अगर मैं थोड़ी अगेन इस पे टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जब लास्ट टाइम बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जब अमल हुआ था, जब असेंबली में गए थे, उन्होंने एक्ट को वहाँ पे बाकायदा उसकी लेजिस्लेशन की थी, उसको वो किया था, तो वो टाइम और वो अपॉर्चुनिटी मौजूद थी जब कोर्ट ने आपको रेफर किया था कि वापस जाके इसको आप लीगलाइज करें इसको असेंबली में, तो ये गैप और ये अपॉर्चुनिटी उसमें रह गई। जो भी तरामीम इस किस्म की लानी है कि जो सीनियोरिटी में आ रहा है, जो आप बात कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, तो ये एक दफा डॉक्यूमेंट हो जानी चाहिए और ये होपफुली हो जाएगी। कुछ चीजें होती है नेचुरल ऑर्गेनिकली जो है ना इवॉल्व हो रही होती है, तो उसी तरफ वो इवॉल्व होकर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पिक चूज करते हैं, अगर हम एक शख्स जो कि सीनियोरिटी में शायद लोअर ग्रेड लोअर रैंक पे हो, बट अगेन जो पांच या छह नाम जाते हैं उनकी सलाहियतों के ऊपर तो कोई सवाल नहीं होता, सवाल ही नहीं करता होता ना, वहां तो सब इट इज ऑल 90, वो जो 1920 भी नहीं होते, दे आर ऑल आर 19 प्लस एग्जैक्टली। और एक चीज उसमें और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इवन के ये सारा कुछ होने के बाद और बाकी लोगों की सिलेक्शन के बाद, चूंकि पॉइंट मेरे जहन में था आपसे रिलेटेड, आपने दो लोगों को जो ये कोट किया है कि ये जो इस अपॉइंटमेंट पे पहुंचे हैं, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूं और इन दोनों के साथ गाये बगाये में अपनी 25 साल अस्करी जो खिदमात में, मतलब सायर शमशाद मिर्जा साहब जो थे कि मेरे इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, मुझे थोड़ा सा पर्सनल होने दीजिए, और माशाल्लाह उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मुझे पढ़ा चुके हैं हम अपने अस्करी कोर्सेज के दौरान, और ये एक ऐसी यूनिट और रेजिमेंट से जिससे मेरा बड़ा हमारा क्लोज एफिलिएशन रही, 8 सिंध रेजिमेंट इनकी यूनिट थी, तो मैं तमाम नाज़रीन को पता भी है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, अगेन मुझे कहने दीजिएगा रिकॉर्ड पे कि ये इनके पेरेंट्स नहीं थे, तो ये विदाउट पेरेंट्स थे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता इनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में वन ही वॉज बैचलर, इनके पेरेंट्स नहीं थे, तो इन्होंने अपना जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, यानी कि जो अगर मैं मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद जो कुछ मिलेगा, तो वो इन्होंने अपनी यूनिट को डिक्लेयर किया हुआ था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मतलब यानी कि एक हार्ड कोर, एक ऐसा सोल्जर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी, ऐसा सोल्जर के जिसके लिए जिसका ना जीना मरना खाना पीना पाकिस्तान एवरीथिंग उसकी जो है ना वो इंस्टीट्यूशन है नंबर वन। एंड एक तो ये हो गया, दूसरा जो जो जनरल आसिम मुनीर साहब है, इंद्र और जनरल शमशाद मिर्ज़ा, दोनों में एक बात कतरे मुश्तरक है, ये मैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि जिस बैकग्राउंड से दोनों का ताल्लुक है, नॉट ओनली एज ए इंडिविजुअल, एक होता है ना कि आपका कोई फ्यूडल बैकग्राउंड हो या आपका कोई असर रसूल रखने वाला बैकग्राउंड हो या आपका, तो देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट नंबर वन, बिल्कुल एक्सट्रीमली मिडल ऑफ द, मतलब मिडल जो हम कहते हैं दरमियाना सा घराना और हम्बल बैकग्राउंड, एक वर्ड हम यूज करते हैं हम्बल बैकग्राउंड से वहां राइज करना, प्योर प्रोफेशनली। और दूसरा ये कि विद इन, ये कहने दीजिए कि इंस्टीट्यूशन भी ना अक्सर बेशतर होता है, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनकी कुछ लॉबिंग होती है, कुछ उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है, कुछ खास यूनिट्स होती हैं, कुछ पुरानी यूनिट्स होती हैं, कुछ उनके असर रसूख रखने वाले सीनियर लोग होते हैं, तो ये दोनों जिन यूनिट्स से भी राइज करके ऊपर आए हैं, तो यूनिट्स भी इस तरीके से हैं कि उनका कोई इस किस्म का असर रसूख वाली चीजों में पेनिट्रेशन नहीं है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स की और एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की जो ये अक्कासी करते हैं, माजी करते हैं, ये बताते हैं कि प्योर 110%
24 कैरेट गोल्ड मेरिट के ऊपर जो है को राइज करे और वहां तक पहुंचे और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोशिश साहब मैं चाहूंगा क्योंकि ये तो एक फैक्टर था जो हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन का था, अब जो कॉन्ट्रोवर्सीज की बात हो रही थी, कॉन्ट्रोवर्सीज अब दम तोड़ जाएंगी। जो पिछले छह माह तक, पिछले छह माह से हम देख रहे थे कि एक अनक्लैरिटी थी, एक ऐसा बेयकीनी की कैफियत थी और एक ही टॉपिक शायद हमारे पास इस वक्त नजर आ रहा, तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे था। अब ये चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, मामला तब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ये बनाया किसने था और क्यों बनाया था, उसकी वजह थी ना जी। हर काम की कोई ना कोई वजह होगी ना। आसिम मुनीर साहब वो आदमी है जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जब वो डी जी आई एस आई थे, उन्होंने कुछ चीजें पेश की थी, छह माह तक उनको सर्व किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उनको फारिग कर दिया। वजह थी ना, उन्होंने वो सीट से हटा के उनको कहीं और वो कर दिया जब उन्होंने चीजें बताई। पीटीआई को इस चीज से क्या इख्तलाफ है, क्यों है इख्तलाफ? बट अभी इख्तलाफ है या नहीं वो तो मेरे ख्याल से चंद घंटों में सामने हो जाएगी, वाजे हो जाएगी। कोशिश तो पूरी की गई ना। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये सोचा कि 27 को जो इनकी वो हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तो शायद प्रेसिडेंट साहब जो है होल्ड करके रख लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। हुकूमत ने जो पीडीएम है उसने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने उसको ऑलरेडी वही कर लिया, रिटेन कर लिया अपने पर। अब वो उनके पास अब कोई जवाब नहीं है, कोशिश अब खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है कि अब जो हमारा पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता जाएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर इमरान खान साहब किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, खान साहब के ऊपर है ना, जो ये सियासी माहौल को बनाने, वरना तो कंट्रोवर्सी तो इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। सदर पाकिस्तान को ऑलरेडी जब पहुंच चुकी थी सबरी। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात ये है कि मैं 110% अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट किए बगैर ये लफ्ज रिकॉर्ड पे कहने लगा हूँ ताकि इसका जवाब भी मिल जाए और खुर्शीद साहब की बात भी कवर हो जाए कि पीटीआई लेड बाई इमरान खान साहब जो भी कुछ करना चाहें वो उनकी मर्जी है, उनकी अपनी अपना एक सिस्टम है, अपना एक नज़रिया है, लेकिन फॉर योर प्रोग्राम और आपके नाज़रीन के लिए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी कुर्सी पे सीट पे विराजमान थे और फुल फ्लैश जो वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी वो अपनी मर्जी का डी जी आई एस आई ना लगा सके ना रिटेन कर सके, राइट सर? तो कुछ के अब जबकि वो उस कुर्सी पे भी नहीं है और मैं थोड़ा सा ना लगा सके ना रिटेन कर सके, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर साहब जब थे तो उनको भी रिटेन ना कर सकते हैं कि पीछे भी इमरान खान साहब की वजह थी। मैं देखें फिर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस पे आ जाएंगे, बॉटम चेस को और क्लियर कर लेते हैं। जब फैज अमीर साहब को रोकना चाहते थे तो वो नहीं रोक सके, या जब वो लगाना चाहते थे फैज अमीर साहब को ही कंटिन्यू करवाना चाहते थे तो नहीं कंटिन्यू करवा, सही ठीक है। तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आप अपनी कुर्सी पे, जब आपका मतलब जो सूरज था सवा नेजे पे था और आप पूरा पूरा फुल फ्लैश जब आप विद एक्सट्रीम प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस के साथ सेम पेज पर होने के बावजूद जब आप वहां बैठे थे कुर्सी पे, तब तक आप डीजी आईएसआई को अपनी मर्जी से रिटेन नहीं कर सकते, सही। तो व्हाट टू टॉक ऑफ कुजा के जब आप कुर्सी पे नहीं है, जबकि आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एस सच पावर नहीं है, इवन टू एन एक्सटेंट एक सिंबॉलिक है, इवन कि अगर आप असेंबली के हैं तो वो भी समझ में नहीं आता कि आपने रिजाइन दे दिया है या यू आर स्टिल पार्ट ऑफ असेंबली, और जो आपने 8 मजीद हलकों से जो अभी इलेक्शन जीता है तो क्या आपने जाके उनमें से किसी को सरेंडर करके उसका वोट टेक ओवर करके अंदर चले गए? और जो एक रूलिंग भी आई हुई है कि वो यहां से ना अहल हो गए, वहां से अहल हो गए, वहां से ना अहल है, वहां से अहल है, इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों के लिए सिर्फ मैसेज ये है कि जब आप कुर्सी में होते हुए अपनी मर्जी का काम नहीं कर सके तो आज तो आपके पास चेयर और पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपने आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सर छोड़ दिया, आवाम का बयान। मुझे ये बता दें इस वक्त जो सिटिंग वजीर आजम है क्या ये इसमें उनकी मर्जी शामिल थी? मैं कहता हूँ कि अगर आपने चूंकि मुझे सवाल किया छेड़ा है तो ये मर्जी शामिल करवा ली गई। मैं कहता हूं कि इस वक्त तो अगर जो जो जो, जो अफ्रत नजर आ रहा है तो ये तो एक तरीके से हुआ ही वो है कि जो वहां से वाइब्स आ रही थी, वहां से कहां से लड़ने जो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और जो उनका कोहोर्ट है और जो उनकी पीडीएम है, जब जरदारी ऑल आर इक्वल That means it's a success of political parties. तो कहता हूं सिटिंग गवर्नमेंट इट्स अ एक्सट्रीम सक्सेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कि उनकी तो विल प्रिवेल कर गई, कि उनकी तरफ से तो यही इंडिकेटर था ना, ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन कोशिश साहब अगर जैसे कि कर्ण साहब ये कह रहे हैं, सर मैं एक बात मुझे बताएं, आप जैसे कर्ण साहब फरमा रहे हैं सक्सेस है, मेजर सक्सेस क्लेम भी की जा रही है और इस वक्त पीडीएम और गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी कर रही है,
गॉड फॉरबिड, हम नहीं जानते पाकिस्तान पॉलिटिक्स में क्या होता है, कल को 3 महीने में या 2 महीने में ये गवर्नमेंट टपल हो जाती है, तो फिर ये गवर्नमेंट का स्टांस क्या होता है इफ इट हैपेंस? देखिए गवर्नमेंट का स्टांस क्या होता है, अगेन इट्स अ वीक गवर्नमेंट, 13 जमातों की गवर्नमेंट है ये, वी कैन नॉट क्लेम इट कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और इसको किसी भी तौर पे किसी वक्त हटाना बहुत आसान है। मैंने तो गवर्नमेंट अगर कल को सरेंडर हो जाती है तो फिर विल बी रिस्पांसिबल, गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करेगी तब भी। देखिए मैं इस बात के ऊपर आपसे अभी जैसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे लीडरान की जरूरत है, जो समझने वाले लोग। सर अभी तो एग्जिस्टिंग है ना, अभी तो उसी की बात कर लेते ना। अब अगर ये जो गवर्नमेंट है ये मेरे हिसाब से वो नहीं कर सकेंगे। इमरान खान वो अपना टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं, ताकि कुछ अच्छे काम करके आवाम को बताएं कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं। और हम सर मुझे सिंपल से बता दें, जो ब्रेक पे जाना है, ये जो 13 जमातों को जिस गोंद ने जोड़ के रखा था, ये गोंद 29 तारीख तक रहेगा या इसके बाद भी रहेगा? देखिए फिलहाल तो यही लग रहा है। क्या रहेगा? रहेगा। कहा साहब आपका सर सवाल लोडेड है, मैं तो आपसे सवाल करूंगा, कह रहे टॉपल हो जाए, क्यों टॉपल, कौन टॉपल? सर हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। 13 जमातें कल को 2 जमातें नाराज हो जाती है, गवर्नमेंट से बाहर हो जाती है, जो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो ये तो मुमकिन में से है ना। मतलब ये नहीं कि उनके वोट्स अगर कम हो जाते हैं, कोई नो कॉन्फिडेंस मूव आए, कुछ सूरत हाल हो, तो कुछ नजर नहीं आ रही। नहीं मैं तो एक मफरूजे के बात, हमारे यहाँ तो ये होता रहा है। नेक्स्ट डेफिनेटली, लेकिन टाइमिंग्स होती है ना, ऑप्टिक्स होती है, उसके उसके कुछ रैशनल होते हैं, उसके कुछ सबूत होते हैं। बट एनीवे चलिए, मैं आपकी बात मान ले रहा हूं सर, मैं आपका सवाल ही चल रहा, कितनी देर लगती है? मैं आगे चलने वाली बात कहता हूं कि गवर्नमेंट के टॉपल के टॉपल ना होने के बाद से अलावा वजह यह है कि हम 22 में खड़े हैं, 22 खत्म हो रहा है, 23 में किसी भी तरीके से चाहते हुए ना चाहते हुए डेलीगेटली फोर्सफुली इलेक्शंस होने, हार्डली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स जी, तो फ्यू मंथ्स के बाद अपना पॉलिटिकल सिस्टम अपना चले, वो सिस्टम उधर चले, इन दोनों का आपस में लिंक। और दूसरा ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि डिरेल हो जाती है, कि डिसीजन कुछ हो जाता है, वो हो जाता है, तो बात ये कि फौज ने तो ऑलरेडी अपने आप को जब उन्होंने कह दिया पहले डिस्कस कर दिया, पॉलिटिकल नहीं, नहीं, मैं आपका मैं मुझे फौज ने जो कहा होता मानते हैं ना, लेकिन कल को गवर्नमेंट इस नेक्स्ट इलेक्शन में चल टॉपल नहीं होती, नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट विक्टोरियस नहीं होती, और एक अगर मैं कहूँ एक बड़ी डिफीट हो जाती, खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती, मफरूजे के ऊपर बात कर रहा हूं, तो ये जो पीडीएम की जमातें फिर भी वो अपने फैसले पे कार्बन देंगी, फिर तो इंस्टीट्यूशंस को फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है, वो तो वो दैट्स इंस्टीट्यूशंस को तो फिर नहीं इन्वॉल्व की जाएंगे। नहीं, इंस्टीट्यूशंस को कहने का मकसद है कि उसका कोई रीजन क्या बनेगा, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली एक काम हो चुका है, एक ओहदे पे लोग फाइल हो चुके हैं, और अगर कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कर दिया, इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, तो कैसे कुछ साल डेढ़ के बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो कहेगी कि नहीं जी ये उसने लगाया तो गलत बस, नहीं मैं 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 वो तो चेंज नहीं हो सकेगा ना, चेंज नहीं होने की बात कर रहा था मैं, तो इस बात की है जो फैसला क्या कल को उनके जो हालात, जो सियासी जमात है वो अपना अपना एजेंडा लेके जाएंगे आवाम में, सर देखेंगे कौन किसको आवाम पसंद करते हैं। सर मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ना, तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि जो नई क्यादत है और नई जो फौजी क्यादत है, इसके पास चैलेंजेस भरपूर हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अतराफ में और पाकिस्तान के जो ज्योग्राफी के अतबार से जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो पाकिस्तान के दोस्त दुश्मन ममालिक जो कुछ इस वक्त होता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नई क्यादत का क्या रद्द मुल्क और क्या प्रायोरिटीज सेट करनी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि जो नई फौजी क्यादत है इसके ऊपर क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इस वक्त जो खित्ते में जो सूरत हाल हो रही है, हम देख रहे हैं कि बड़ी सारी तब्दीलियां हैं और बड़े सारे महाज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो फौजी क्यादत है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां और वो किस तरीके से इनको प्रायोरिटाइज करेंगी? खुर्शीद साहब पहले तो मैं आपसे जरा शुरू करता हूं, पहले इंटरनल मामलात के ऊपर बात करते हैं, फिर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कल साहब से बात कर लूंगा। इस वक्त इंटरनली इकोनॉमी के एतबार से हम देखें, माशी एतबार से हम कमजोर हैं। इस वक्त हमारा सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा था, जो उम्मीद करते हैं कि अब इस फैसले के बाद संभलता दिखाई देगा। इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं,
ओवर द ईयर उनकी उनको स्ट्रेंथन करना है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं इंटरनली मैं अगर पूछूं, और किस तरीके से नई क्यादत उसके ऊपर काम करती है दिखाई दे? देखें फौज सबसे पहले तो अपने बॉर्डर्स की वो करेगी जो सिक्योर करके, ठीक है। दूसरी चीज आपकी मईशत को इस वक्त बहुत जरूरत है इस्तेहकाम की, उसमें भी इनका बड़ा किरदार जैसा उन्होंने किया और कल की आपने स्पीच में भी देख लिया बताया उन्होंने कि क्या क्या जो है चीजों पे हेल्प आउट उन्होंने किया, तो जो है जो सियासी क्यादतें हैं उनको जो है सपोर्ट मिल सकी, वरना सियासी तौर पे तो चाहे कोई भी था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आप चाहे FATF को ले लें, चाहे वो उसको ले लें अपना क्या था जो कल जिक्र किया था उन्होंने हमारे मईशत के मामलात को ले लें, तो ये सारी चीजों में IMF के मामलात को ले लें, तो उसमें तो हेल्प आउट तो सारी फौज की तरफ से है ना। इनफैक्ट जो दूसरे मुवाले से जो रिलेशनशिप की बिल्डिंग का जो काम था वो भी फौजी क्यादत ने किया। इसी तरीके से अब आपको यहाँ भी लोकली भी बहुत सी चीजों को पाकिस्तान के अंदर जो है अभी सैलाब जदगान है इसमें भी वो हेल्प आउट कर रहे हैं और बहुत सी चीजें, ये सारी चीजें मईशत को बहाल करना है। मैं आपको प्रिसाइसली पूछूं, क्या इस वक्त जो नई फौजी क्यादत होगी, ये नई एस्टैब्लिशमेंट जो हम देखते हैं, वो जो एस्टैब्लिशमेंट जो किरदार होगा, क्या वो ये हो सकता है कि तमाम तर जो पॉलिटिकल जो जमाते हैं उनको बिठा के एक कम से कम एक पेज के ऊपर यकजा किया जाए कि एटलीस्ट इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कमजोर है उसको संभाला जाए, अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे जरूर की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि फौज ने तो अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया, इन चीजों से बिल्कुल हट गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि ये काम अदलिया कर सकती है, क्योंकि अब जो सारा जोर आ रहा है वो अदलिया के ऊपर आ रहा है, और अदलिया जो है अगर चाहे तो बहुत सी चीजों को मामलात को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकती है। अदलिया का बड़ा अहम किरदार है। मैं अगर प्रिसाइसली पूछूं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अब हमें अगले 1 से 2 माह में कुछ सॉफ्ट होती हुई नजर आएगी, मामलात कुछ कंट्रोल में होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि या तो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो रहा हो, गवर्नमेंट समेत ऑपोजिशन समेत तमाम तो सियासी जमातें इलेक्शंस की तैयारी कर रही हो, या तो फिर अपने डेवलपमेंट वर्क के ऊपर काम करें ताकि आने वाले इंतखाबी अमल के लिए अपने मामलात को बेहतर कर सकें, क्या होता है? देखें सबसे अहम चीज ये कि सबको अपनी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अपने लाखों अपने डेवलपमेंट पे सबने काम किया। देखें अपनी डेवलपमेंट से मुराद आपकी जो वोटर्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनको आपने डिलीवर करना है, हर जगह पे आपको डिलीवर करना है, तब आप रिजल्ट ले सकेंगे। डिलीवरेंस होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी मामला तो वो गड़बड़ हो जाएगा। कल साहब जी बहुत शुक्रिया। इंटरनली पहले तो मैं चाहूंगा इंटरनली जरा बताएं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। भाई आपको मैं वन वर्ड यूज करूंगा, फाइनेंशियल टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस वक्त होती है कि किसी चीज़ को मैं कुछ कर सकता था, मेरे पास ज़राए थे, वसाइल थे, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया, लूज किया, तो वो उसकी कॉस्ट है, कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो बात ये है कि भाई कि पिछले 6 से 8 महीने जब से ये क्राइसिस ऑफ कॉस्ट शुरू हुआ है रिजीम चेंज के बाद से, तो देर इज अ सिवियर इंटरनली अपॉर्चुनिटी। आप रिजीम चेंज का अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं कहता हूँ कि चले गवर्नमेंट चेंज हुई, रिजीम चेंज हुई, पार्लियामेंट चेंज हुई, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेट्स कम टू द पॉइंट, अल्फाजों से ज्यादा बढ़ के, तो इस 6 और 8 माह के अरसे में बुनियादी तौर पे बहुत सारे काम जो हो सकते थे वो नहीं हुए, और उनके ना होने की वजह से, उन इनिशिएटिव्स के ना लेने की वजह से देर इज अ सिवियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच रन इन मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस। बिल्कुल सही, गैस नहीं है इंडस्ट्री के पास इस वक्त, और ले ऑफ्स हैं, और ये सारा का सारा जॉब्स खत्म हो रही हैं, वहां पर आ रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और ये आ रहा है, मत भूलिए, ये कोविड के इमीडिएटली, अभी हम कोविड से पूरी तरीके से मुफस्सल तरीके से निकले भी नहीं थे कि इकॉनमी का कहीं GDP 5% 6% प्लस पे था तो गिर के 0-1 पे आया, और उसके बाद से फिर ये पॉलिटिकल टर्मोइल में चले गए। ये हो गया इंटरनल कॉस्ट है, और ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, और वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसकी हिट लगेगी। इंटरनेशनली अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरनेशनली ये है ब्रदर कि हमें असल में हम देखते नहीं, वो कहते फिर भी एक बात है, दूसरे का हाल देखा तो अपना हाल जो है ना वो अच्छा लगा। बुनियादी तौर पे ये जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है, अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड शामिल, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से
डेवलप्ड वर्ल्ड ने जो ये रशिया और यूक्रेन की जो मारामारी जंग चली है, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, ये इस किस्म के आफ्टर इफेक्ट्स वेस्टर्न वर्ल्ड ने, डेवलप्ड वर्ल्ड ने, जर्मनी ने, यूरोप ने नहीं देखे थे, सही, जो उनको इस दफा देखने पड़े हैं वन, और उसका फॉलआउट है इस वक्त ग्लोबली, एंड दैट फॉलआउट जो एक हाइपर सुपर एक इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, इकॉनमी रुकी हुई है, सप्लाई चेन्स हर्ट हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, कमोडिटीज की प्राइस आगे पीछे जा चुकी है, रशिया और चाइना उधर से कॉम्प्रोमाइज है, अमेरिका यहां से कॉम्प्रोमाइज है, वेस्टर्न वर्ल्ड उधर कॉम्प्रोमाइज है, ईरान में क्लर्गी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक जो है ना एक रेवोल्यूशन की तरीके से जो है ना उनके खिलाफ एक पूरी मुहिम जो ही चल रही है, श्रीलंका में हम देख चुके हैं तस्वीर आ चुकी है किस तरह की, वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्टेक होल्डर्स है पुराने को हटाया गया, अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के एग्जिट के बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे, और मैं अगेन जो फैन क्लब है इमरान खान का उनको कहूंगा कि इमरान खान ने बाकायदा कहा था कि आज अफगानिस्तान ने शैकल्स ऑफ स्लेवरी जो है गुलामी की शैकल्स हथकड़ियां तोड़ के आज वो आजाद हुए, तो आजादी के बाद अब वो वहां पे जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे मजीद रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैंने ये अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, ये तीन चार मुल्कों का नाम स्पेशली इसके लिए कि ये बिल्कुल आपकी बेल्ट में रीजन है, शायद आम आवाम के अदबार में कहूं तो इग्नोरेंट है, हमारा ज्यादातर फोकस इंडिया तक होता है, आम आवाम शायद इन एरिया के ऊपर ज्यादा सोचती नहीं, बात नहीं कर पाती, जबकि आपके इमीडिएट नेबर में है ना उधर है यहां पर, तो ये जब आपके रीजन में, खित्ते में और दुनिया में इस लेवल पे इस वक्त मसाइल और मसाइब चल रहे हैं, तो उसका भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप पर आना है, चले उसको कोई समझना है कि उसको भी आसान लफ्जों में कर लेते हैं कि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये भी है कि अगर आपकी मरे मरे $25 बिलियन की भी एक्सपोर्ट्स होती थी तो वो $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी, वो अलग बात है, या गैस नहीं है और यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चल रही और यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से आप हर्ट हुए, आपको $25 बिलियन के जो ऑर्डर्स इंटरनेशनली अगर मिलने थे, एक्सपोर्ट मार्केट स्क्वीज हो रही है, तो वो ग्लोबल ट्रेड हर्ट हुई है। ये एक मुझे भी बताइएगा जो इस वक्त एक इंडिया फैक्टर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि इंडियन ब्लॉगर्स या इंडियन मीडिया हाउसेस पे ये इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है कि देर इज अ प्लान पाकिस्तान के एरियाज के ऊपर काबिज होने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है, दीगर एरियाज की बात की जाती है, सेंसिटिव एरियाज की बात की जाती है, गवर्नमेंट के लिए भी मौजूदा सियासी क़यादत के लिए भी तो एक चैलेंज होगा, मौजूदा सियासी क्यादत के लिए चैलेंज इसको कोई बनाना चाहे तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन जो रेडीनेस है, जो अलर्टनेस है, ये मैं अक्सर बेशर प्रोग्राम्स पर जाता हूँ तो ये मैं पॉइंट कोट कर देता हूँ, जो मेरी अपनी जहन की जो सलामत मुझे समझ में आता है कि वो ये है कि जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, तो उसके अंदर जो फोर्सेज की जो डिप्लॉयमेंट है और पीछे जो रिजर्व्स हैं और उसके बाद जो आपके पास जो एक पूरा का पूरा एक पैराफेरनेलिया है फ्रॉम ऑपरेशनल टू गोइंग अप टू हायरार्की जो उसकी स्ट्रेटेजी तक जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां अंग्रेजी का एक वर्ड है कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी बराबरी, वो बराबरी प्रिवेल करती है, बाकी सर्टेन जगहों पे पाकिस्तान को एज भी हासिल है, और जिसका आप जो है वो नमूना जो है वो अभिनंदन वाले केसेस में और मुख्तलिफ बसा औकात में आप देख चुके हैं, तो ऐसा कोई इनिशिएटिव इंडिया के पास लेने के लिए जो है ना पॉसिबिलिटी और प्लॉजिबिलिटी की गुंजाइश बनती नहीं है। मोदी साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी इंडिया की भी जो इकॉनमी है और इंडिया के अंदर भी जो एक मुस्लिम कुछ फसादात जो चल रहे हैं और वहां भी जो एक एक्सट्रीमिज्म और राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और जिस तरीके से मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज को कश्मीर के बाद जो ओवरऑल इंडिया में, तो मोदी साहब के पास भी इस वक्त उस लेवल की से नहीं है और उनकी भी इकॉनमी जो है वो उस लेवल पे प्रिवेल नहीं कर रही है इस किस्म का एडवेंचर और मिस एडवेंचर। लास्ट टाइम जो कुछ हुआ उसके बाद इंडिया को एक बड़ा मेजर सेटबैक हुआ ग्लोबली, जो कुछ सुबकी सहनी पड़ी उसके बाद, बल्कि उसमें मुझे कहने दीजिए कि अगर इंडिया ने कुछ करना होता ना तो पिछले 6-8 महीने में जितनी पोलराइजेशन तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी छेड़खानी कर सकते हैं, बट अगेन दे नो द के कुछ अगर फेसेस जो इस वक्त हमें नजर आते हैं कि मौजूदा केओस में या मौजूदा एक अनसर्टेनिटी में इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, देर इज इंस्टीट्यूशन विच इज वर्किंग, देर आर सोल्जर्स विच आर एक्चुअली लुकिंग एट द बॉर्डर्स, एंड वो जब तक मौजूद है तो हमारे बॉर्डर सेफ्टी के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, आप दोनों ने तशरीफ लाया और जो आज का एक मौजूद था बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड वी एक्सपेक्ट के आज के बाद से जो सूरत हाल होगी वो इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी कि एक बेहतर पाकिस्तान कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अगर इस वक्त हमने अपनी अना की जंग को सबसाइड ना किया, साइड पे ना किया, तो यकीन तौर पे पाकिस्तान माशी एतबार से जितना पीछे जा चुका है उसका खमियाजा हमें भुगतना शायद ना पड़े, उसका वो एक ऐसा
होगा मामला कि इसके बाद कोई रिवर्सल नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो तब्दीली हुई ये बेहतर तब्दीली हो और इससे पाकिस्तान की जो किस्मत है उसमें जो कुछ हमें देखा देखने में आया था जो इश्यूज थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते हुए नजर आए और अगले 3 से 4 माह जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फिर पहले काम करें और फिर इलेक्शन की तैयारियां हों ताकि जो तमाम सूरत हाल है वो कंट्रोल वे में आगे चलती हुई नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।